नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पटना के नटराम अकादमी में अनूठा कीर्तिमान बनाने की पहल की गई। इस स्कूल की करीब 500 छात्राओं ने दुनिया की सबसे लंबी राखी बनाने का प्रयास किया है। इस राखी की लंबाई 808 फीट है, जिसके जरिए राष्ट्रीय एकता, सार्वभौमिक भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव और गौरवशाली बिहार का संदेश देने का प्रयास किया गया है। स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप में जल्द ही बड़े स्तर पर छटनी होने वाली है। अंग्रेजी टेक वेबसाइट द वर्ज की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। हालांकि यह छटनी कब होगी और कितने लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि स्नैप में करीब 6000 कर्मचारी हैं। सियासी उथल पुथल के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 12,751 नए मामले सामने आए हैं और 16,412 लोग ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,807 हो गई है। एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को कोविड के 16,166 नए मामले दर्ज किए गए थे। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के फैसले के बाद पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी के साथ बने रहने का फैसला किया है। पशुपति कुमार पारस केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं और लोजपा के एक गुट के अध्यक्ष भी हैं। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज ऐप के लिए एक अपडेट की घोषणा की, जो यूजर्स को भेजे जाने के 2 दिन बाद संदेशों को हटाने की अनुमति देगा। मेटा स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने ट्विटर पर कहा है कि यह विकल्प निश्चित रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पहले से भेजे गए संदेश पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बिहार में गठबंधन की सरकार में मचे उठापटक के बीच राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अब अपहरण वाला नहीं सुपर 30 वाला बिहार है। अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर में भारत म्यांमार सीमा के पार से उग्रवादियों ने सेना की असम राइफल्स के जवानों पर गोलियां बरसाई। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकियों की गोली एक जेसीओ को लगी है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। बिहार में सियासी उलटफेर और भाजपा और जदयू में दरार के बीच पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर बड़ा संकेत दिया है। इसमें रोहिणी के एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उठाए मसले पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रामीण विकास फंड का 1,760 करोड़ रुपए जारी करने की बड़ी मांग मान ली है। केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा सचिवालय में मिलने के उपरांत विवरण साझा किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी अपनी संसद की तुलना में विदेशी संसद में अधिक बोलते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पीएम मोदी की कार्यशैली की भी तुलना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने आज अपने 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 सितंबर 2022 से अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत छोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा करती है। यह पूरी यात्रा पदयात्रा के रूप में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पदयात्रा लगभग 150 दिनों में सम्पन्न होगी। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल ने ASSI और हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए BSF ने उम्मीदवारों से आवेदन किए हैं। यह भर्ती अभियान BSF में 324 पदों को भरेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए BSF की आधिकारिक साइट पर rectbsf.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बर्मिंगम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सबसे ज्यादा मेडल रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने रेसलिंग में कुल 12 पदक जीते। भारत को वेट लिफ्टिंग में भी 19 मेडल मिले। बॉक्सिंग में 7 मेडल हासिल हुआ है। वहीं भारत की झोली में बैडमिंटन में 3 गोल्ड मेडल आए। भारत कुल 61 पदक जीता और मेडल टैली पर चौथे पायदान पर है। भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के 5वें जन्मदिन के मौके पर 101 लड़कियों का पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका फायदा सभी लड़कियों को मिल रहा है। पीएम मोदी ने उनके इसी काम की तारीफ करते हुए प्रशंसा पत्र भेजा है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर खुद रविंद्र जडेजा ने साझा किया है। कोविड-19 वायरस की स्वदेशी वैक्सीन की सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अब बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल के वैज्ञानिकों ने 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो शख्स गलत तरीके से अपने वाहन को पार्क करेगा उसे इसके लिए 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लाने पर विचार कर रही है। श्रीकांत त्यागी ने अपनी पत्नी से संपर्क साधा तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लग गया। वहीं श्रीकांत त्यागी की बहन ने कहा कि उसके गिरफ्तार होने से पूरा परिवार खुश है। जब वो नहीं मिल रहा था तो पूरा परिवार सदमे में था। उन्हें लग रहा था कि कहीं श्रीकांत को कुछ हो तो नहीं गया। उसे सही सलामत देखकर पूरा परिवार अब सुकून में है। कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन एक बेहतरीन कार्यक्रम के साथ हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शरद कमल और निकट जरीन भारतीय ध्वजवाहक के रूप में दिखे। इसमें भांगड़ा का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि क्या अब हम कहेंगे कि कोई बोला नहीं, क्योंकि चीन ने श्रीलंका को अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाने की अनुमति देने से रोकने के लिए आधिकारिक तौर पर भारत को बेअकल करार दिया। क्या पीएम मोदी की सरकार इस अपमान का जवाब चिंता के रूप में देगी? फिर यह एक नपुंसक सरकार है। IRCTC ई वॉलेट के जरिए आप आसानी से रेलवे टिकट की बुकिंग मिनटों में कर सकते हैं। इसमें आपको रिन्यूअल फीस के तौर पर किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। साथ ही पेमेंट गेटवे पर लगने वाले 5 मिनट का भी बचत होता है। ऐसे में आपको तत्काल टिकट की बुकिंग करने में आसानी रहती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आज चरण 1 की RRB ग्रुप डी 2022 के लिए परीक्षा शहर और तारीख चेक करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने RRB ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन किया था, वह रीजनल RRB की आधिकारिक साइट पर जाकर परीक्षा स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की योजनाओं का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। आम पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन जैसे चुनावी वादे मुफ्त नहीं है, क्योंकि ये योजनाएं आर्थिक असमानता वाले समाज में बेहद जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची है। अदालत के आदेश और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोगों को सड़क पर आना होगा। अगर उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय देगा तो वो गलत है। मैं यह बात 50 साल के अनुभव के साथ कह रहा हूँ। कपिल सिब्बल के बेटे अखिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में भरोसा खत्म होने की बात करना गंभीर अपराध है। कोर्ट की अवमानना जनता में ऐसा खौफ पैदा करेगी कि फिर से अदालत, कानून और संविधान में विश्वास जगाना मुश्किल होगा। कर्नाटक में बेलागावी जिले के एक गांव हीरे बिदानूर में 100 सालों से एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। बावजूद इसके हर साल यहां 5 दिन के लिए मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। गांव की आबादी लगभग 3000 है। ज्यादातर परिवार कुरुबा और बाल्मीकि समुदाय के हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान कायरन पोलार्ड ने एक अनोखा और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह T20 में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पोलार्ड T20 लीग में अभी भी खेल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा के बावजूद अब तक आधिकारिक रूप से MLC पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के समय उनकी ओर से इस संबंध में घोषणा करने के बाद 40 दिन बीत चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधान भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तकनीकी रूप से उद्धव ठाकरे अब भी विधान परिषद सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। इस संबंध में घोषणा करने के बाद 40 दिन बीत चुके हैं।
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी रोहित शेट्टी की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स से ओटीटी पर कदम रखेगी। खुद शिल्पा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शिल्पा शेट्टी दमदार एक्शन करती दिखाई दे रही है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अजब कुमार, शुभम यादव, सुजय कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, प्रिया यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कांग्रेस के 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए जाने को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।